धौलपुर जिला प्रशासन ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के 33 प्रवासी मजदूरों को राजस्थान परिवहन निगम की 2 बसों से गंतव्य के लिए भेज दिया है। इससे पहले सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग कराई गई, साथ ही उन्हें भोजन के पैकेट भी दिए गए। ये प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के कारण धौलपुर शहर में फंसे हुए थे, जिन्हें राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने घर भेज दिया। धौलपुर में मैं काम करता था फेरी का, यहाँ पर लॉकडाउन से पहले का रह रहा हूँ। लॉकडाउन में फंस गया हूँ, यहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही थी, मगर आज छूट मिली है, सरकार ने दी है, बधाइयों जा रहा हूँ अपने घर। आपके यहाँ व्यवस्था क्या थी खाने पीने की, यहाँ आई हो जब से? जब से खाने पीने की व्यवस्था ऐसी जो हमारे पास था, हाथ से उल्टा सीधा बना।